अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और पासवाना स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डीएचए वैली में जब पोजीशन की बात होती है तो दो तीन बातें जो सबसे पहले लोग करते हैं, वो सबसे पहली बात ये होती है जी वहाँ बिजली नहीं है। स्ट्रीट लाइट दिखाओ इनको। सर ये स्ट्रीट लाइट्स सिर्फ लगी नहीं है, चलती भी हैं। अब बात करते हैं स्ट्रीट लाइट के लिए तो बिजली है, घरों के लिए क्या होगा। इधर दिखाओ जी माशाल्लाह। सबसे पहले मैं उन सब दोस्तों को, उन भाइयों को जिनके प्लॉट डीएचए वैली के अंदर हैं, ओलेंडर ब्लॉक के अंदर हैं, उन सबको मुबारक देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगले एक से डेढ़ महीने के अंदर वैली के अंदर पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी। और पोजीशन स्टार्ट होने के लिए सबसे पहला फेज़ बिजली का था जो कि मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ ट्रांसफार्मर नहीं लगा, इसको वो कनेक्शन, वो इधर आओ जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वो दिखाओ। इसका 11 केवीए का कनेक्शन भी हो चुका है वहाँ से, और इसकी जो बाकी आगे आउटपुट्स हैं इसकी एलटी की, ये भी लगना शुरू हो गई हैं। नीचे एचटी की तारें भी लग गई हैं और बिजली की डीपीज जो थी वो भी, वो सामने आप हर गली में दिखाएं, इधर घुमाएं जी तरह, बिजली की डीपीज जो हैं वो घरों के लिए वो भी लग चुकी हैं और इस साइड पर भी लग चुकी हैं। ये तीन चार गलियाँ जो हैं ये तो बिल्कुल रेडी हैं, इनके फुटपाथ भी ऑलमोस्ट बने हुए हैं, सीवरेज लाइनें कम्प्लीट हैं, बिजली की लाइनें कम्प्लीट हैं, स्ट्रीट लाइटें चल रही हैं और इन गलियों की पोजीशन जो है वो एक से डेढ़ महीने के अंदर इंशाल्लाह से अनाउंस हो जाएगी। हो सकता है इससे पहले भी अनाउंस हो जाए। इसके बाद ये सामने वाली जो बुलेवार्ड आपको नज़र आ रही है उसमें भी आगे पांच छह गलियां हैं। अभी क्योंकि अंधेरा होने वाला है, मगरिब का टाइम है, तो वो शायद हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक से दो दिन के अंदर दोबारा से वो वाली वीडियो गलियाँ जो है वो भी आपको दिखा देंगे जिनकी वहाँ पर पोजीशन होगी। ये वो वाला एरिया है जिसमें 8 मरला की कटिंग होगी, 5 मरला की कटिंग दूसरी तरफ है। वो सामने वाली गलियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं उनके अंदर पानी की जो सप्लाई की लाइनें हैं वो डल चुकी हैं, बिजली की लाइनें डाली हुई हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगे। इंशाल्लाह एक से डेढ़ महीने या दो महीने के अंदर वो वाली गलियाँ भी जो है वो पोजिशनेबल बन जाएंगी, उनकी पोजिशन जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। जब पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी तो मार्केट भी बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह लोगों को भी इस बात का एक आसरा, एक उम्मीद शुरू हो जाएगी कि ये पोजीशन अब स्टार्ट हो गई है तो कभी ना कभी हमारी बारी भी आ जाएगी। अभी तक तो ऐसा था कि 2008 से बुकिंग करवाने के बाद लोग यही सोच रहे थे कि यार अभी तक किसी को भी पोजीशन नहीं मिली तो जो नॉन बैलेट वाले हैं वो कहाँ पे जाएंगे। अब जब बैलेट वालों को पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेप बाय स्टेप जो नॉन बैलेट वाले हैं उनकी बारी भी आ जाएगी। और हाँ, यहाँ पर ये बता दूँ मैं आपको कि ये सामने आपको पाइप नज़र आ रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का पाइप जो आपको नज़र आ रहा है ये मेन हॉल के ऊपर, ये वाटर सप्लाई का पाइप है। आप तो यहाँ पे बोरिंग नहीं कर सकते, आपको पानी जो है वो डीएचए वाले सप्लाई का पानी जो है वो आपको देंगे। अभी क्योंकि डीएचए वैली की अपनी जो वाटर सप्लाई की टंकी है उधर पिछली साइड पे, अभी हम उधर जाएंगे, वो भी आपको जाके दिखाते हैं। जो अभी घरों वाली टंकी है अभी पूरी नहीं हुई, उस पर काम चल रहा है, अभी आपको पानी जो है टैंकर से देंगे डीएचए वाले, और जब वो टंकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है टंकी ऑपरेशन होने के बाद आपको सप्लाई का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आपसे मुलाकात होगी आगे आने वाली वीडियोज़ में, दुआ में हमें भी याद रखें और डीएचए के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इसी तरह से जिस तरह ये काम चल रहा है ये चलता रहे। जज़ाकअल्लाह।